Hey guys, my name is Sultan. My name is Malaika. और आप देख रहे हैं Me versus You official. और आ गए हैं हम वापस आपके लिए BTS सीजन में. और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट, इतनी रिक्वेस्ट BTS की लाइव परफॉर्मेंस हो, सॉन्ग्स हो, मैं आप यकीन कीजिए इतना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि BTS पे इतना अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा. और बिल्कुल जी, आपके जज्बात की बिल्कुल कदर करते हुए मेरी पूरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है वो BTS पर मैं वीडियोस डेली बेसिस पर लेकर आऊँ. और इतने लिंक्स जो है वो BTS के मेरे पास इस वक्त जो है वो मेरी डायरी में नोटेड हैं, जो इंस्टाग्राम पे अलग हैं, फेसबुक पे अलग हैं, व्हाट्सएप पे लिंक अलग हैं मेरे पास, और कमेंट में जो लोग लिंक भेज रहे हैं तो वो लिंक अलग हैं. और स्टेप बाय स्टेप जो है वो BTS की वीडियोस पे मैं लिंक देने जा रहा हूँ. और ये एपिसोड जो आपने देखी है, मेगा एपिसोड, बिल्कुल जी आपने ठीक देखा है. ये काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे कह रहे हैं कि आप मेगा एपिसोड बनाएं, कि हम BTS को वन फ्रेम में देखना चाहते हैं. तो बिल्कुल जी, आपके जज्बात की बिल्कुल कदर करते हुए मैं वक्त निकाल के आप लोगों के लिए मेगा एपिसोड लेकर आया हूँ. जबकि मैं मेगा एपिसोड बनाता नहीं था, लेकिन सब्सक्राइबर की डिमांड है कि आप मेगा एपिसोड बनाएं, और मेगा एपिसोड हमें देखनी है. हम चाहते हैं कि BTS हम जो है वो एक फ्रेम में BTS को देखें. तो हम आपको लेके चल रहे हैं. और आज जो जिस लिंक की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आज आई है, तो वो है Yet to come for youth life. अब ये देखते हैं ये क्या है, उसके बाद फिर इसकी नेक्स्ट एक वीडियो है उस पर भी रिएक्ट करेंगे हम. तो पहले जो है वो इसको देखते हैं, उसके बाद फिर मजीद जो है वो आगे चलते हैं. चलेंगे 1, 2, 3. As always, proud, amazing. Proud, balls over the story, balls over the story.
खंडा। भाई क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, और आप यकीन कीजिए क्या कहा जाए, अनएक्सपेक्टेड जो है ना, मैं आप यकीन कीजिए ये ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कोई गैलेक्सी के अंदर कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो, कोई परफॉर्मेंस चल रही हो, कैमरा लाइट्स और बोलने के लिए कुछ अल्फाज जो है ना वो समझ नहीं आ रहे क्या बोले। अनएक्सपेक्टेड है, मतलब मैं बहुत ज्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा अपने सब्सक्राइबर का जो ऐसी वीडियोस जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं, जो आज तक मैंने अभी तक जिनको मैंने देखा नहीं था, लेकिन अब मैं उनको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और रिएक्शन दे रहा हूँ उसके ऊपर। और ऐसी परफॉर्मेंस यार मैंने अपनी लाइफ में देखी ही नहीं है, मतलब कोई मतलब इतने बेहतरीन म्यूजिशियंस इसके अंदर बैठे हुए हैं और मैं तो इन खैर इन जो ये जो लेजेंड्स हैं BTS टीम जो है ये हमें नज़र आ रही है, जो इसके पीछे की जो टीम है BTS के म्यूजिशियंस जो हैं जो अभी हमें नज़र नहीं आए, उनका क्या कमाल है यार, कैसे मतलब इस चीज़ को लेके चलना, अरेंज करना, ये कोई आसान काम नहीं है और ये ट्रू टैलेंट है। मैं ये कहूँगा ऐसा टैलेंट आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये ट्रू टैलेंट है। ये जितने टैलेंट जो आप देख रहे हैं ना बनावटी टैलेंट आपको तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा ट्रू टैलेंट अनएक्सपेक्टेड, और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व हो गया हूँ इनमें। और आज जो मैंने एक जो वो देखा है ना लो नोट्स जो मैंने देखे हैं एकदम थोड़ा सा पीक पे जाके लो नोट्स पे उन्होंने जब आए तो इनकी ट्यून चेंज हो गई, तो जिसमें मलाइका ने कहा कि जो है वो ये फीमेल की वॉइस के अंदर जो है वो ये गा रहे हैं, लेकिन वो फीमेल की वॉइस में गा नहीं रहे थे, वो जब उनके हाई नोट्स से जब लो नोट्स के ऊपर हुआ है ना तो उनकी ट्यून आवाज की चेंज हो जाती है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर से ये कहूंगा कि कोई ऐसी वीडियो जिसमें BTS के हाई नोट्स हों तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा, तो आप लोग वो वीडियो का लिंक मुझे सेंड कीजिए जिसमें BTS के हाई नोट्स हों। मैं सुनना चाहता हूँ कि BTS के हाई नोट्स कैसे हैं, और रैप तो खैर मैंने सुना है बहुत ज्यादा, यकीन करें कि आप खत्म, बिल्कुल ही रैप खत्म है वहां पे जो मैंने इनका रैप सुना है। और क्या पता कि ये जो मैंने सुना है ये कुछ भी ना हो, आगे भी कुछ ऐसी वीडियोस हो जिसमें रैप इन्होंने और ज्यादा बेहतरीन और बहुत अच्छा किया हो, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ उन वीडियोस पर रिएक्ट कर रहा हूँ जो आप लोग जिनका लिंक सेंड कर रहे हैं, और जिन हमने देखा ही नहीं था इसको। हाँ, और जिन वीडियोस के लिंक ज्यादा मेरे पास आ रहे हैं मैं उन पे ज्यादा जल्दी जो है वो रिएक्ट कर रहा हूँ। BTS के बहुत लिंक्स है मेरे पास, टिकटॉक वीडियोस, BTS टिकटॉक वीडियोस, BTS फनी वीडियोस, और BTS की जो है वो स्पीच और वगैरह वगैरह बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं, लेकिन जिन लिंक्स की ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है तो हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके लिए डेली बेसिस पे आपके लिए लेकर आ सकें। तो मैंने मेगा एपिसोड लेकर बिल्कुल आ रहे हैं, और ये मेगा एपिसोड जो आप लोगों के लिए बनाई है, ये 2 से 3 सब्सक्राइबर कंटिन्यू मुझे कह चुके हैं कि आप मेगा एपिसोड बनाएं, हम देखते हैं मेगा एपिसोड आपकी, तो आज हम आपके लिए मेगा एपिसोड ये देखे ही इसलिए आए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी रिएक्शन वीडियो की तरफ, और वो भी मुझे लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वो क्या वीडियो है हमारी, वो हमारी है BTS स्पीच। तो चलें जी वीडियो को देख लेते हैं, इसमें क्या ऐसा है जो हमें दोबारा शॉकिंग कर देगा। आई थिंक ये स्पीच है, और स्पीच में क्या होता है तो पहले देखते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। 1, 2, 3. 네, 역시 이분들입니다. 방탄소년단 축하드립니다. 축하합니다. 여러분, 팬사이즈 방탄소년단입니다. 2017년 빌보드 시작으로 빌보드 메인 차트에 세계 최상단급으로 세계 최정상 그룹입니다. 전 세계 아비지 함성이 느껴지는 것 같습니다. 네, 전 세계 이목을 집중시키며 글로벌한 영향력을 입증하고 있는 방탄소년단 수상 소감 부탁드리겠습니다. 아메 소리 질러! 아이고 오랜만에 뵙습니다. 그 글로벌 팬 앤 스타 어워드. 죄송한데 글로벌 상이라서 영어를 조금 해야 될 것 같아서 죄송하다고 말씀드려요.
Okay, shout out to all the armies out there. Asia, Africa, South, North America, Australia, Pacific, anywhere, Africa, anywhere. We love you. We missed you. We want to play with you. We want to see you. We want to touch you. We want to feel you. Thank you all the love and support from out there. And we will never let you down. Thank you. Love you. Once again, big love. Thank you. Thank you. 자, 아, 방탄소년단 여러분 축하드립니다. 방탄소년단의 진! 방탄소년단의 든든한 낙동이자 재인기가 인정하는 월드와이드 핸섬 방탄소년단 진씨가 팬에스타 초이스상 개인 부문을 차지합니다. 네, 지난 4월 그래미 어워즈에서 전세계 남자 가수 중 가장 많이 언급된 아티스트로 뽑혔습니다. 수상을 진심으로 축하드립니다. 자, 개인 부문의 상이기 때문에 진 씨가 예 소감을 네, 멤버분들이 가마를 태워주셨어요. 네. 네, 안녕하세요. 방탄소년단 진입니다. 살다 보니까 이런 날도 다 있네요. 인기 있는 친구들이 진짜 저기 엄청나게 많은데 제가 이런 상도 받게 되고 감사합니다. 우리 아미 여러분들. 네, 어쨌든 이게 정말 팬분들의 한 표 한 표 이렇게 클릭 한 번 한 번으로 이렇게 또 완성이 된 네, 그런 상 아닙니까? 정말 여러분들께 너무너무 감사드리고 이 상을 받은 만큼 앞으로 남은 활동 더욱더 열심히 하도록 하겠습니다. 아미 사랑해요. 네, 축하합니다. 우리 진 씨가 팬에스타 초이스상 개인 부문 방탄소년단 두번째 팬에스타 초이스상 주인공 방탄소년단입니다. 올해 발매한 앤솔로지 앨범 프루프는 아미를 향한 방탄소년단의 진심이 고스란히 담긴 앨범이죠. 네, 아미를 향한 마음이 고스란히 담긴 앨범이었던 만큼 그 진심이 전세계 아미에게 전달된 것 같습니다. 정말 축하드립니다. 수상소감 부탁드릴게요. 아미 소리 질러! 아 정말 이런 기분 오랜만이네요. 네. 참 이 상은 여러분들의 선택으로 받은 상인 만큼 굉장히 의미 있는 상이 아니지 않나 싶습니다. 팬에스타 저희도 받은 거지만 여러분들도 상을 받으신 겁니다. 여러분들. 여러분들의 선택 틀리지 않는 선택이었다는 걸 꼭 보여드리고 증명하겠습니다. 여러분들 너무너무 감사드립니다. 사랑해요 아미. 네, 다른 멤버도 소감 좀 부탁드릴게요. 다른 멤버도. 아, 다른 멤버, 예. 다른 멤버. 목소리를 너무 듣고 싶으니까. 예. 와. 네, 팬앤스타 초이스상 가수 방탄소년단. 아, 정말 감사하고, 이렇게, 예, 투표해주신 아미 여러분들한테 감사하다는 말씀 꼭 드리고 싶고요. 사랑합니다, 여러분들. 감사합니다. 땡큐. 바로 방탄소년단입니다. 전국의 K-POP 팬들의 치열한 접전 끝에 방탄소년단이 차지했습니다. 축하합니다. 네, 아미와 함께 있는 자리에서 또 우상을 받을 수 있어서 더욱 의미가 깊을 것 같은데요. 수상을 진심으로 축하드립니다. 자, 오늘도 엄청나게 많은 상을 가져가고 있는데요. 지민씨 소감 부탁드릴게요. 네. 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 아, 오랜만에 이제 아미 여러분들이 이렇게 모여 계신 모습을 보니까 9년 차가 넘었는데 아직도 떨립니다. 네, 아무튼 이렇게 큰 상 주셔서 너무 감사하고 저희에게 인기라는 것을 느끼게 해준 아미 여러분들께 항상 제일 감사합니다. 방탄소년단 팬이라는 게 부끄럽지 않도록 앞으로도 더 좋은 팀이 될 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 다른 멤버도 한번 소감 더 부탁드릴게요. 목소리를 못 들은 분들이 많아서. 감사합니다. 정국 씨, 한 말씀 해주세요.
자, 정국이. 안녕하십니까. 네. 이번 상을 위해서 머리 좀 바꾸고 왔습니다. 네, 여러분들 감사하고요. 네. 더 열심히 하겠습니다. 응원해주셔서 감사합니다. 네, 축하드리겠습니다. 예, 머리 이뻐요. 예. 다시 한번 축하드리겠습니다. 방탄소년단. 여러분, 큰 박수 부탁드립니다. 축하드립니다. 감사합니다. 최다, 최다 득점자. 가수 부문 수상자. 최고, 최초, 최다의 수식어를 아우르는 방탄소년단. 2년 연속 수상입니다. 네, 전 세계 수백만 명의 아미들이 보내는 사랑과 응원으로 만들어진 상이라 더 특별할 것 같습니다. 수상 소감 부탁드리겠습니다. 자, 소감을 다 들어야 될 것 같습니다. 자, 한 분 한 분 좀 부탁드릴게요. B씨부터 할까요? 아미! BTS 소리 질러! 이거는 그 어떤 상보다 되게 특별한 상 같아요. 왜냐하면 이제 아미 한 분 한 분께서 이렇게 소중한 투표를 해주셨기 때문에 저희가 이렇게 상을 받을 수 있지 않을까 싶습니다. 정말 아미 감사드리고요. 저희 정말 멋있는 이렇게 최다 득표상 가수 방탄소년단 되겠습니다. 거에 걸맞는 멋진 가수 되보겠습니다. 감사합니다. 네. 자, 다음. 네, 저희가 일일이 다 볼 수는 없는데 항상 잠 못 자고 투표해 주신 거 너무 잘 알고 있거든요. 네, 정말 너무 감사하고 저희가 그 사랑에 보답할 수 있도록 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 자, 진 씨 바로 옆에 있으니까 또 해주세요. 예, 저요? 이렇게 상을 또 받게 되어서 너무너무 감사드리고 우리 멤버들이 이 고마움을 알고 있어가지고 항상 대기실에서 상 받을 때마다 너무 두근두근해 하더라고요. 그래서 예, 우리 멤버들 이 밝은 얼굴 한 번씩 와서 이 클로 좀 한 번씩 들어와. 아미 사랑해. 아유, 잘생겼다. 이, 네. 자, 고맙습니다. 감사합니다. 예. 감사합니다. Thank you BTS and thank you 아이. 아플로고가 그 아플로고네 에시 비디오 삼에 이제 해보 그게 링 샌드 기에 और क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या बोल सकते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। आप कहां कहां से ऐसी वीडियोस ले आते हैं और देख के बड़ा जो है ना बार बार ऐसा लगता है कि हम जो है ना मजीद बीटीएस की वीडियोस पर रिएक्शन हमें देना पड़ेगा। अब मेरे कुछ सब्सक्राइबर इतने नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि आप तो बीटीएस में जो है वो घुस गए हैं, जो BTS में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है सब्सक्राइबर तो वो कह रहे हैं कि आप BTS में जो है वो घुस गए हैं, आप बॉलीवुड को छोड़ के BTS में चले गए, आप सॉन्ग को छोड़ के BTS में। तो कुछ मूवीज के सॉन्ग्स और ट्रेलर वगैरह भी पेंडिंग उनके पड़े हुए हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है वो ना बॉलीवुड के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, ना बॉलीवुड के सॉन्ग्स पे दे रहे हैं और ना आप जो है वो साउथ की मूवीज पे दे रहे हैं, तो उनके लिंक्स काफी पेंडिंग है। बस तो मैंने सब्सक्राइबर ने BTS में हमें एक वीडियो अपलोड की थी तो BTS जो है वो हम ऐसे गए हैं। देखें, बात बताऊं जाए, बात ये है कि दो दो चीजें होती है। पहली चीज ये होती है कि सब्सक्राइबर की डिमांड होती है, तो जो सब्सक्राइबर डिमांड करता है ना तो हम फिर उस पर रिएक्शन देते हैं। एक होता है कि आपकी पर्सनल भी जो है ना डिमांड होती है ना, तो अब जब से मैंने BTS की वीडियोस को देखना शुरू किया है तो मेरी खुद की भी एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार रिएक्शन जो है वो BTS की वीडियोस पे ही अभी देना है, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा BTS की आ रही हैं, लिंक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आप लोग का रिस्पॉन्स BTS पे बहुत अच्छा, और BTS आजकल इन बहुत है। बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है BTS को लेकर। तो बिल्कुल जी, आप लोगों के लिए ये मैंने मेगा एपिसोड बनाई है और जिन सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था तो मैं उन सब के स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगा, और जिनके मैं स्क्रीनशॉट मेंशन नहीं कर सका तो उनके लिए उनसे बड़ी माजरत कि वो स्क्रीनशॉट अगर मैं नहीं ले सका, और जिनके मेरे पास अवेलेबल हैं स्क्रीनशॉट मैं उनके मेंशन कर दूंगा। तो चलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेगा एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए मेगा एपिसोड लेकर आऊं, और मेगा एपिसोड अगर मैं नहीं भी लेकर आता आप लोगों के लिए तो मैं BTS पे एपिसोड आप लोगों के लिए लाजमी लेकर आता हूँ डेली बेसिस पे, कि मेरी YouTube फैमिली को इंतज़ार ना करना पड़े। मेरे जितने भी काम हो, मेरी जितनी भी मसरूफियात हों, मैं उन सबको एक तरफ रख के आप लोगों के लिए टाइम निकाल के रोज़ वीडियोस में लेकर आता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो मैं आज इस वीडियो में दोबारा एक बात कह दूँ कि जिन सब्सक्राइबर ने हमें लिंक सेंड किए हैं तो उनके सारे लिंक्स पे उन्हें रिएक्शन मिलेगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि लिंक्स बहुत सारे हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप उन BTS की वीडियोस पे रिएक्शन देंगे। तो एज यूजुअल मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं एक दिन में आप लोगों के लिए BTS की दो दो वीडियोस लेकर आऊं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो डेली बेसिस पर लेकर आ रहा हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं एक दिन में दो वीडियोस आप लोगों के लिए BTS की लेकर आऊं। तो इसी तरीके से आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो वीडियो को देख रहे हैं तो वो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और BTS की वीडियोस को हमारे साथ एंजॉय कीजिए। ये BTS सीजन है, आप लोगों का प्यार है, तो देखते हैं कब तक ये सीजन चलता है। अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का रिस्पॉन्स ऐसे ही मिलता रहा तो ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। तो मिलेंगे आपसे न्यू नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाली है, वो भी BTS की। तो फिर चलते हैं जी, जीजिए हमें इजाजत।